बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आप देखना शुरू कर चुके हैं भेड़गढ़ पीपल्स वॉइस। एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के अंदर भाग लेगी। जी हां, आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी की तरफ से यह घोषणा कर दी गई है कि मध्य प्रदेश में आने वाले 24 विधानसभा के उपचुनाव सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रही है। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्मदिवस के दिन 15 मार्च को बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद किसी भी प्रकार के कोई विधानसभा या लोकसभा के चुनाव नहीं आए और इसके चलते मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा के उपचुनाव होने वाले 24 सीटें जो कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने की वजह से खाली हुई है, उन सीटों पर लड़ने का ऐलान आजाद समाज पार्टी ने कर दिया। और इसके अलावा आपको बता दें कि यहां के लिए आजाद समाज पार्टी ने कुछ नेताओं को भी नियुक्त कर दिया गया है। यहां पर आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कई सारे मेंबर जो है प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं और ये लोग जो है मध्य प्रदेश में जगह जगह पर घूमकर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों का चयन करेंगे। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार आजाद समाज पार्टी आगे आने वाले दिनों में जल्द ही उम्मीदवारों के प्रत्याशी चयन का कार्यक्रम शुरू करेगी और उम्मीदवारों से आवेदन मांगेगी। जो भी आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता है उनको मौका दिया जाएगा, जिसके चलते आजाद समाज पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के जो 24 सीटों के चुनाव होने वाले उनके अंदर भाग लेगी। तो यानी कि आजाद समाज पार्टी भी अब मध्य प्रदेश के रण में उतर चुकी है। उधर आपको बता दें कि बिहार को लेकर भी आजाद समाज पार्टी काफी तैयारियों में जुटी हुई है। आजाद समाज पार्टी की अधिकांश जो टीम है इस वक्त बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। मिलेंगे इसमें वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आ